अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आई एम तरुण फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अलापुर बदायूं। टूडे इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ चैप्टर सेकेंड, दैट इज रिकॉयल ऑफ गन। मीन्स जब किसी गन से फायर करते हैं तो बुलेट आगे की तरफ और गन पीछे की तरफ जाती हैं। इसी टॉपिक को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि गन पीछे की तरफ और बुलेट आगे की तरफ जाती है, कैसे झटका लगता है और कितनी स्पीड से जो गन है वो पीछे की तरफ आती है, उसी को रिकॉयल बोलते हैं। बट इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले आपको दो प्रिंसिपल ध्यान रखने होंगे, जो फर्स्ट है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड सेकेंड वन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम। बेसिकली जो रिकॉयल ऑफ गन है, किसी भी गन का पीछे की तरफ हटना, ये न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है उसी का एक एग्जाम्पल है, उसी एक कैटेगरी में इसको रखा हुआ है। इसलिए हमें सबसे पहले न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टडी करना होगा, उसके बाद उस थोड़ा सा मोमेंटम के बारे में स्टडी करना होगा, इसके बाद दोनों प्रिंसिपल को मेन जो टॉपिक है उस पर हमें अप्लाई करना है। तो न्यूटन्स जो थर्ड लॉ है, आप देखें रिएक्शन पर रिएक्शन है, जब कभी किसी सिस्टम पर हम फोर्स लगाते हैं तो सिस्टम भी आपको फोर्स लगाता है, इसी को हम लोग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बोलते हैं। ये अनदर एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल है रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन का, कि दो पर्सन से एक दूसरे पर फोर्स इम्पोज करते हैं। जब हम मूव करते हैं, यहाँ पर भी एक फिजिक्स काम करती है, ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। मूवमेंट करने पर भी जो सूज है, जो फोर्स लगेगा और जो रोड है, वो भी आपके ऊपर एक फोर्स इम्पोज करती है। मोमेंटम, मोमेंटम को आप पी से डिनोट करते हैं और ये मास इनटू वेलोसिटी होता है, द्रव्यमान इनटू वेग। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट भी यहीं से ही समझ आएगा कि किसी भी मोशंस के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर जो मोमेंटम है, जो संवेग है, वो हमेशा संरक्षित रहता है बिफोर एंड आफ्टर। मीन्स जब कभी कोई भी टक्कर, कोई कॉलिजन होता है किसी के बीच में, उससे पहले और उसके बाद में हमेशा जो मोमेंटम है, जो संवेग है, वो हमेशा संरक्षित रहता है और नियत रहता है। मीन्स बी बिफोर एंड आफ्टर, मीन्स कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद, इसी को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम बोलते हैं। अब आप देखिए गन के एग्जांपल में आप ले सकते हैं, ये गन है बिफोर शूटिंग, बिना फायर के नॉर्मली है, रेस्ट पर है, तो इस केस में मोमेंटम जीरो होगा। जैसे आप ट्रिगर प्रेस करते हैं तो इस केस में मोमेंटम जनरेट होगा, वो दो मोमेंटम होंगे, बुलेट के लिए अलग से और गन के लिए अलग से। रीजन, इसका वेग, इसका मास अलग है और गन का मास और गन का वेट, जो वेलोसिटी है वो अलग है, इसलिए दोनों मोमेंटम अलग अलग होंगे। बट दोनों को अगर आप इक्वल करते हैं, प्लस करते हैं, तो वो बिफोर रेस्ट वाली जो कंडीशन थी, जो स्टार्टिंग की जो कंडीशन थी, उसके बराबर होता है। अब गन के पीछे क्या फिजिक्स काम करती है, सेम कि गन पीछे हटना ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को शो करता है, संवेग संरक्षण को शो करता है। अगर जो गन है वो पीछे नहीं हटेगी तो जो मोमेंटम ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ए गन रिकॉयल व्हेन इट इज फायर, पीछे हटना, वो पीछे हटने का जो रीजन है वो एक ही है कि वो संवेग संरक्षित का जो कॉन्सेप्ट है उसको मेंटेन करना चाहती है, उसको संरक्षित करना चाहती है, इसलिए उसको कुछ वेलोसिटी चाहिए जो कि पीछे हटने से ही आएगी। रिकॉयल वेलोसिटी, रिकॉयल वेलोसिटी मीन्स जब शूटर है या जो ट्रिगर दबाने वाला आदमी, जब आप उसको ट्रिगर प्रेस करते हैं तो बैकवर्ड पर जो वेलोसिटी होगी, जो गन है जिस वेलोसिटी से पीछे की तरफ मूव करती है, उसी को हम रिकॉयल वेलोसिटी बोलते हैं। अब मेन कंसेप्ट आपको समझना है रिकॉयल ऑफ गन, गन का पीछे हटने का जो कंसेप्ट है, सिंगल स्लाइड में रखा हुआ है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। दो अलग अलग कंडीशन है, ये बिफोर फायरिंग है, तो बिफोर फायरिंग की अगर मैं बात करता हूं, इसका अपना कोई मास द्रव्यमान होगा और इसके अंदर एक छोटी ब्लड भी होगी अभी इसके अंदर ही, बट ये बिफोर फायरिंग है, रेस्ट पर है। रेस्ट पर होने से क्या होगा, मोमेंटम जीरो होगा। रीजन कि इसका वेलोसिटी भी जीरो है और जो बुलेट इसके अंदर है उसकी वेलोसिटी भी जीरो है, इसीलिए बिफोर फायरिंग जो मोमेंटम है वो जीरो है। अब फायरिंग की बात करते हैं, जैसे आप ट्रिगर यहाँ से प्रेस करते हैं तो ये बुलेट आगे की तरफ जा रही है, इधर ये बुलेट है इसकी वाला पॉइंट 20 ग्राम की, तो
तो हम मान लेते हैं इसका वेट कैपिटल एम है और पीछे जो हटेगी कैपिटल वी है, ये वाला स्मॉल एम है और इसकी जो वेलोसिटी है ये स्मॉल वी है। अब यहां पर कैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि बिफोर और आफ्टर बराबर होना चाहिए। बिफोर तो जीरो है, हमने फाइनल कर लिया। अब ट्रिगर प्रेस करने के बाद एम इंटू वी ये किसका है, ये गन का है और ये बुलेट का है एम इंटू वी, तो मैंने दोनों को प्लस करके जीरो के बराबर लिख दिया। नेक्स्ट लाइन में इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो कैपिटल वी बराबर नेगेटिव साइन स्मॉल एम इंटू स्मॉल वी, ये बुलेट के लिए डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, तो एक्सप्रेशन निकल के आता है ये वाला। इस एक्सप्रेशन से आपको क्या समझना है ये ध्यान रखिए, नेगेटिव साइन है, ये वेलोसिटी जो वी है ये गन की है, ये बुलेट की है, दोनों के बीच नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि वेलोसिटी एक दूसरे क्या होगी, अपोजिट होगी, मींस गन इधर जाएगी बुलेट इधर जाएगी, ये कैपिटल वी है और ये स्मॉल वी होगा। तो पहला पॉइंट यहां पर क्लियर होगा कि इसी इस फॉर्मूले से आपको समझ आता है कि जो रिकॉयल है, जो गन है वो पीछे की तरफ क्यों होती है। अगर नेगेटिव साइन नहीं होता सपोज करो तो फिर पीछे उनका कंसेप्ट भी नहीं होता। नेगेटिव साइन यही रिप्रेजेंट करता है कि जो गन है वो पीछे की तरफ होगी, तभी जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है ये प्रिंसिपल तभी काम करता है। मींस हमें जो टारगेट है, जो ऑब्जेक्टिव है कि संवेग संरक्षित रहे बिफोर और आफ्टर, इसलिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब क्वेश्चन ये होगा कि उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, इस पॉइंट को भी आपको समझना होगा। स्मॉल एम और डिवाइड बाई कैपिटल एम, आप देखिए नॉर्मली जो वेपन जो गन होगी उसका वेट ज़्यादा होगा, अप्रोक्स मैंने यहाँ पर 2 kg लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। अब बुलेट का वेट हमेशा कितना होगा, इसका तो नेग्जिबल बहुत छोटा है, ग्राम में ही होगा। तो स्मॉल एम मीन्स स्मॉल एम और डिवाइड बाई कैपिटल एम जब आप करेंगे तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, इसी वैल्यू कब जब आप स्मॉल वी में मल्टीप्लाई करते हैं तो कैपिटल वी क्या आएगा, बहुत कम आएगा, मीन्स वी के कंपेरिजन, स्मॉल वी के कंपेरिजन। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 20 ग्राम और डिवाइडेड बाय 2 kg, और ये अगर इसको केजी में करना है तो आप इसमें 10^-3 करोगे। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने के बाद और इनटू हम इसमें स्मॉल वी कर दें तो कैपिटल वी निकलेगा। तो कैपिटल वी की जो वैल्यू है इसीलिए कम है, मीन्स झटका लगता तो है बट वो बहुत ही नेग्जिबल, बहुत कम स्पीड है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी वी है ये बहुत कम इसीलिए है क्योंकि इन दोनों के वेट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोनों के वेट में बहुत बड़ा डिफरेंस होने के कारण ही जो कैपिटल वी है, जो वेपन है, जो गन है, वो आपकी पीछे की तरफ जो थोड़ा सा जो झटका लगता है वो बहुत कम वैल्यू का, कम वेलोसिटी का है। जैसे जैसे आप इस बुलेट का वेट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे पीछे हटने की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो ज़्यादा होती जाएगी। इसलिए आर्मी के जितने भी वेपन्स हैं, जो बड़े बड़े वेपन्स होते हैं, उनमें बुलेट का वेट भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मूवी के अंदर आप देखेगा कि वो वेपन्स इवन जो सिस्टम है वो पीछे की तरफ हटता हुआ आपको क्लियरली दिखाई देगा, क्योंकि उससे निकलने वाली जो बुलेट का जो वेट है वो ज़्यादा है, इसलिए ये कैपिटल जो वी है ये फील होता है। अगर ये वेट बहुत कम है तो ये उतना फील नहीं होता। तो एक छोटी सी लाइन है, इसी लाइन से आपको दोनों चीजें क्लियर होंगी। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हैं, और दूसरा जो कैपिटल वी है, जो गन का जो पीछे हटने की जो वेलोसिटी है वो बहुत कम है, रीजन कि स्मॉल एम और कैपिटल एम का जो रेशियो है वो बहुत कम होगा, मीन्स की जो मास है, जो बुलेट है, उसका तो वेट कम है ही इसके कंपेरिजन में, गन के कंपेरिजन में। इसलिए वेग को अगर आप कैलकुलेट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो वो आपका वैल्यू उसकी बहुत ही कम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम बच्चों के बीच शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।